जगदलपुर शहरी नक्सली नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश करने पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। इसी तारतम्य में कुल 3 आरोपियों को रविवार को बकावान फॉरेस्ट नाका नगरनार क्षेत्र से गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि शहरी नेटवर्क गिरोह के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो निश्चित ही लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पत्रकार वार्ता के दौरान आईजी बस्तर रेंज विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चौकी बकावंड थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकावन फॉरेस्ट नाका के पास जांच के दौरान पिकअप क्रमांक OD 24 9729 व बोलेरो वाहन क्रमांक OD 10 F 8126 व विस्फोटक पदार्थ मिले। वाहन में बैठे आरोपियों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुबल कुमार चौधरी 51 वर्ष निवासी नवरंगपुर, नवीन जानी 23 वर्ष निवासी नवरंगपुर व मनोज तिवारी 49 वर्ष निवासी अम्बेक्टर वार्ड जगदलपुर शामिल है। और आगे सिन्हा ने बताया कि इनका मास्टरमाइंड सुबल चौधरी है और पिकअप वाहन के आगे अपनी वाहन में प्रेस का तमगा और एक फर्जी प्रेस कार्ड लेकर चलता था। श्री सिन्हा ने आगे बताया कि उक्त आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त विस्फोटक पदार्थ को उड़ीसा के भवानीपट्टनम से नक्सलियों को देने के लिए वह कुछ क्रेशर खदान संचालकों को दिया जाता था। इसके विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4-5 व 38-49 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। 17 मार्च 2019 बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत थाना नगरनार के बकावन चौकी के अंतर्गत जो अभी लोकसभा चुनाव दृष्टिगत जो मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया, वहाँ पे एक पिकअप वाहन और बोलेरो वाहन जिसको रोकने के लिए कहा गया था, तो वो गाड़ी रुकते ना तेजी से वहाँ से भागने लगा। उसको बाद में आगे जाके पकड़ा गया और उस पर चेक करने पर पिकअप वाहन में काफ़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव जिसमें प्रोडक्ट्स वायर जो तकरीबन 3000 मीटर से ज़्यादा और फ्यूज वायर जो कि 5000 मीटर से ज़्यादा और करीबन 5900 डेटोनेटर वहाँ से बरामद हुए। और साथ में इस पिकअप वाहन को बोलेरो वाहन के माध्यम से एस्कॉर्ट किया जा रहा था और बोलेरो वाहन में प्रेस लिखा हुआ था और इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं। 4 आरोपी में से 3 आरोपी नवरंगपुर उड़ीसा के हैं और 1 आरोपी जगदलपुर का है। और बेसिकली जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स वायर डेटोनेटर और सेफ्टी टूल्स को वहीं पर जाके सप्लाई करना था और वो क्षेत्र वैसा है जो कि नक्सलियों के संवेदनशील क्षेत्र है। और ये संभवतः और जो बात आरोपी हैं और उड़ीसा से ही ये खेप वहाँ पे आ रही थी, परंतु जैसा मैंने बताया कि जो डेटोनेटर में बैच नंबर है, कॉर्टेक्स वायर में जो बैच नंबर है, उसके आधार पे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से इसको किसको बेचा गया था और फिर वहाँ से इसका कैसे फिल्ट्रेज हुआ, किसको फिर से बेचा गया था। बेसिकली हम जो फिल्ट्रेज को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम जान पाएंगे कि कहाँ से बेसिकली ये लीक होता है। और यहाँ पे जिस आदमी को सप्लाई करना था उसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं और पतासाजी करके उसको भी आरोपी इसमें लगा है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।